टू टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर इन योर जीके बुक वेदरन वेदर मैन वेदर इज द डेली कंडीशन ऑफ द एयर आउटसाइड द पर्सन सॉरी अ पर्सन हु फॉरकास्ट द वेदर इज कॉल्ड अ वेदर मैन हम वेदर मैन किसको बोलते हैं जो बाहर के टेम्परेचर को यानी कि रोज के जो वातावरण को परखता है कि बाहर हवा कितनी है धूप कितनी है उसको बोलेंगे हम लोग वेदर मैन रोज की कंडीशन क्या होती है बाहर की उसको परखते हैं नंबर वन लार्ज अमाउंट ऑफ फॉलिंग स्नो राइट द करेक्ट वर्ड टू डिस्क्राइब द वेदर कंडीशन लार्ज अमाउंट ऑफ फॉलिंग स्नो जहाँ पर बहुत ज़्यादा स्नो होता है उसको बोलेंगे स्नो स्टॉर्म्स लार्ज अमाउंट ऑफ फॉलिंग स्नो स्नो स्टॉर्म्स सेकेंड वन इज अ फ्लैश ऑफ लाइट इन द स्काई ड्यूरिंग अ स्टॉर्म बारिश के समय जो बिजली होती है उसको बोलेंगे लाइटनिंग heavy rain with a strong winds storm storm heavy rain with strong winds is storm jo barish ke sath bahut tez hawa hoti hai tufaan hota hai usko bolenge storm water falling in drops from the clouds rain jo barish hoti hai jo bunde girti hai badalon mein se usko bolenge rain rotating column of air from the sky to the ground tornado jo badal aasman se हवा में जो राउंड राउंड होते होते ज़मीन तक आते उसको बोलेंगे टोर्नेडो लार्ज वेव्स कॉज्ड बाय एन अर्थक्वेक टी सुनामी जो दरियों में होता है यानी सी में होता है जो पानी में होता है टी सुनामी वेदर सिंबल्स अ सिंबल दैट इज़ यूज्ड टू डिस्क्राइब अ वेदर कंडीशन इज कॉल्ड अ वेदर वेदर सिंबल नेम द सिंबल्स सबसे पहला ये क्या है सन सन ब्राइट है तो सनी विल राइट हियर सनी ये क्या है सन के आगे क्लाउड आ गया तो ये क्लाउडी सन के आगे बादल भी है और बारिश भी हो रहा है रेन विथ सन नेक्स्ट वन इज थंडरस्टॉर्म बादल के साथ बिजली हो रही है तो थंडरस्टॉर्म नेक्स्ट वन इज चांद भी है चांद और बादल दोनों साथ में तो क्लाउडी नाइट क्लियर नाइट चांद सिर्फ दिख रहा है और बादल पूरा आसमान पूरा साफ है तो राइट या क्लियर नाइट ये रहे ऑप्शंस देख के लिखोगे ओके कलर द पिक्चर नेम द वेदर कंडीशन यहाँ पर आपको कलर करने हैं और इसमें क्या हो रहा है रेन हो रही है यानी बारिश हो रही है राइट या रेन ओके कंप्लीट योर पेज नंबर 50 एंड 51 इन योर बुक दिस इज योर